अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको लाइवली चिकन बनाना बता रही हूँ, जो अक्सर शादियों में फ़ौरन बना के फ़ौरन तैयार करके दी जाती है। ये मैं वो चिकन की रेसिपी दे रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने थोड़ा सा आधी चमची लिए मेथी दाना लिया, आधी चमची पहले मैं डालूँगी। ये मेथी दाना डाला मैंने, इसको ज़रा सा रोस्ट किया, ये हो गया लाल। मैं डाल रही हूँ कुछ लवा, एक चमचा हरा रोशनी तो, एक चमचा अदरक और लहसुन का, कुछ लवा एक चमचा अदरक लहसुन का डाल रही हूँ। ये डाल के फिर आपको बताती हूँ कि क्या है। ज़रा रोस्ट हो जाए, ये आधा किलो चिकन है, ये मैं इसको अंदर डाल देती हूँ ताकि फ्राई हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये बेसिक मसाला डालूंगी, एक चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा नमक और आधा चमचा ये एक चमचा कुटी मिर्चों का। अभी जब इसका रंग बदल जाएगा उसका चिकन का, तो मैं ये एक प्याली डालूंगी चॉप अनियन और ये चॉप टमाटर, ये दोनों चॉप चीज़ें डालूंगी। जब इसका रंग चेंज हो जाएगा सब चीज़ें एक साथ चली जाएंगी, फिर ये साथ इसके साथ ये भी जाएगा, हरी मिर्चें भी चली जाएंगी टमाटर के साथ, एक चमचा भर के हरी मिर्च, कुछ ली हरी मिर्चें हैं ये। जब ये पक जाएगी, ये सब भून जाएगा, तो मैं आधा चमचा गरम मसाला पिसा हुआ, मेरे अपना है घर का पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चमचा कुटी हुई काली मिर्चें और एक चमचा भुना हुआ जीरा, पिसा हुआ नहीं है भुना हुआ जीरा, आधा चमचा कुटी हुई काली मिर्चें, एक चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चमचा एक चमचा डाल दें। आखिर में ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू और दही का चस्का दूँगी। ये बस ये थोड़ी सी चीज़ें और फटाफट पक जाएगी, बहुत झटपट पकने वाली है क्योंकि शादी में तो झटपट चीज़ें चलती हैं, तो ये ज़रा सा रंग चेंज हो जाए मैं अभी आपको बताती हूँ। दाना आधा चमचा डाल के, लहसुन अदरक एक चमचा डाल के कुटा हुआ ये रहा, और चिकन डाल के सिर्फ मैंने रंग चेंज किया क्योंकि बड़ी गल जाएगी नहीं तो। और ये मैं एक प्याली इसमें डाल रही हूँ चॉप प्याज, और एक चमचा कुछ ली हरी मिर्चों का कटी हुई बारीक बारीक, और एक चमचा ये एक प्याली टमाटर की चॉप, बाकी ये एक चमचा कुटी हुई मिर्चें, आधा चमचा नमक का, एक चमचा पिसा हुआ धनिया और आधा चमचा हल्दी का, ये सब मैं डाल देंगे। बस अब ये भून जाएगा, भून के ये ऊपर वाले मसाले डाल के मैं आपको बताती हूँ फटाफट सब तैयार। ये देखिए ये भुन गया है, वो लोग तो इस तरह करते हैं कि बहुत बारीक प्याज होती है उनकी मशीन की चॉपर की, और टमाटर भी चॉपर के, हरी मिर्चें भी, तो जैसे मैं चॉपर करने लगी मेरी तो लाइट चली गई थी, इस वजह से मैंने हाथ से काटी, इसी वजह से ये कहना मैं ज़रा सा देर हो गई पकाने में। वैसे बहुत मज़े का बना है, मैं एकदम और दोहरा देती हूँ। मैंने आधी पहली घी की ली थी और आधा चमचा मेथी दाने का डाल के उसको रोस्ट करा, फिर लहसुन अदरक कुछ लवा डाल दिया एक चमचा, उसके बाद मैंने चिकन डाल के उसका कलर चेंज करके, और एक प्याली भर के कुटी प्याज, एक प्याली भर के टमाटर डाल के, और मैंने इसको रख दिया भूनने के लिए, और पिसा हुआ धनिया एक चमचा कुटी मिर्चें, आधा चमचा नमक और आधा चमचा हल्दी का डाल के इसको मैंने भून दिया। अब ये पूरा तैयार है भून के, बहुत जल्दी एकदम तेज़ आँच पे भूनो, अगर चॉपर प्याज कर लो तो फौरन ही 10 मिनट में तैयार हो जाएगी, मुझे तो खैर भी 10 मिनट से ज़्यादा मिनट लग गए। अच्छा अब ये है क्या नाम है, कुटी हुई आधा चमचा कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें ये आधा चमचा, और एक चमचा रोस्ट मैंने किया था जीरे का एक चमचा, और ये आधा चमचा है पिसा हुआ गरम मसाला, और ये है ये डाल दिया। अब मैं इसको ये बस सब ये सब चीज़ें डाल के दम देना, तैयार है ये तो। अब मैं डाल रही इसमें दही, दही कैसी है मैंने चखी भी नहीं, घटिया। ये दही डाली और ये हरा धनिया डाला, हरा धनिया का खासा डला डलता है,
ज़्यादा गिरता है धनिया, और ये इसको मैं मिलाती हूँ। मिला के फिर मैं ये आखिर में नींबू का चस्का, नींबू रोल डालती हूँ। बस ये तैयार हो गई लाइवली चिकन। इसके सबसे बड़ी खुशबू जो है, जो आ रही है खुशबू अंदर से, वो आ रही है मेथी दाने की। ज़रा दही भून जाए, कहीं मैं नींबू डालूँ तो दही ना फट जाए। तो मैं तेज़ आंच करके इसको दही को भून लूँ। दही भून गई, अब इसमें ही डाल लेंगे नींबू डालने। आधा नींबू निचोड़ दिया और हरी मिर्ची इसके अंदर थोड़ी सी डाली थी, थोड़ी सी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इसे बस मैं दम दे देती, तैयार हो गई।